हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 24x7 जॉब इन्फॉर्मेशन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल ग्लास ऑफ क्रियामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जो न्यू रिक्रूटमेंट जा रहे हुआ उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो आप देख सकते हैं आपका एडवर्टाइजर नंबर है, ठीक है। ये आपका एडवर्टाइजर नंबर, ऑनलाइन एप्लीकेशन लास्ट डेट ये आपका जारी हो गया है, ये आपका लास्ट डेट है, ध्यान रहे, ठीक है। अप्लाई करने का नहीं डेट नहीं, आपको आपका ऑडिशन आपका है लास्ट डेट जारी किया गया है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आपका जो पोस्ट वैकेंसी जारी हुआ पोस्ट देखते हैं। पहला आपका जो टेक्नीशियन वन है यहाँ पर आपको दे दिया आपको पोस्ट कोड, यहाँ पर आपको वन जारी हो गया। टोटल आपको 5 यहाँ पर वैकेंसी है, ठीक है। और आपको पेलेबल टू आपको सैलरी दिया जाएगा जो 7 CPC के द्वारा जारी किया गया है। और एज लिमिट आपको 28, आपको एज लिमिट आपको करना होगा, उससे ज़्यादा एज लिमिट होगा आप नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। इन सब कुछ उन्होंने दे दिया और वैकेंसी भी आप देखनी है। और क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, आपको क्वालिफिकेशन आपको 10 क्लास पास आउट होना होगा विथ साइंस सब्जेक्ट, क्योंकि मिनिमम 50% मार्क्स, एंड आपको ITI सर्टिफिकेट करना होगा, ठीक है। आपको NCVT SCP के द्वारा आपको फिटर इंजीनियरिंग में आपको सर्टिफिकेट आपको प्राप्त होना होगा, तो ये यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं पोस्ट पोस्ट है आपके पास, पोस्ट टू के द्वारा यहाँ पर टोटल आपको 3 वैकेंसी जारी किया, यहाँ पर सेम पे लेवल टू को सेलेक्ट जारी किया, एज लिमिट सेम है और सब कुछ क्वालिफिकेशन सेम है। उसके बाद आपको जो ITI करना है, ITI आपको इलेक्ट्रिशियन में आपको कम्प्लीट करना होगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका जो पोस्ट को किया जाता है, टोटल आपके यहाँ पर 4 वैकेंसी जारी किया गया है, यहाँ पर भी आपको सेम पे लेवल टू सैलरी देगा और एज लिमिट सेम। उसके साथ देख सकते हैं आपको SSC पास आउट होना, साइंस के मार्क्स का फिर आपको 3 साल आपको एक्सपेरिमेंट एक्सपीरियंस आपको होना होगा केमिकल प्लांट जैसे मिनिस डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज पब्लिक सेक्टर ऑटोनोमस बोथ दी स्टेट UP गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बाद आता है आपका जो अगर पोस्ट ग्रेड 4 है, टोटल आपका नंबर ऑफ वैकेंसी का 2 है। यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन आपको देख सकते हो, आपको 10th क्लास पास होते साथ आपको जो साइंस होता है जो यहाँ पर कॉमन है जारी किया गया है, सर आपको ITI पास आउट होना होगा इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक, और आपको दे दिया यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट भी आपको सर्टिफिकेट तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर दे दिया आपके पास, ठीक है, आपके पास 2 साल आपको एक्सपीरियंस देना होगा फुल टाइम, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद आता है आपको जो पोस्ट कोड है 5, टोटल पोस्ट हमारे यहाँ पर सिर्फ एक ही है जो अनरिजर्व कैटेगरी के द्वारा यहाँ पर जारी किया गया है। यहाँ पर आपको सैलरी पेरेबल 2 आपको सैलरी जारी किया गया है। यहाँ पर आपको 10th पास पास आउट के साथ आपको ITI सर्टिफिकेट करना होगा टूल एंड डाई मेकर डाइस एंड मॉड्यूल्स मशीन के द्वारा। उसके बाद आता है आपका पोस्ट कोड 3 6 के द्वारा, ठीक है, एक ही है और सैलरी सेम है। यहाँ पर आपको सर आपको यहाँ पर ITI सर्टिफिकेट कम्प्लीट करना होगा डॉट्समैन मैकेनिकल में, ठीक है। उसके बाद आता है जो पोस्ट कोड यहाँ पर T7 है, यार टोटल दो ही वैकेंसी है। यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन 10th पास के साथ आपको ITI करना होगा इन्फो IT और कंप्यूटर साइंस हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस में, और आपको 2 ईयर एक्सपीरियंस होगा एफिशियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में रिकॉग्नाइज, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपको जो पोस्ट कोड 8 है, यहाँ पर देख सकते हैं आपको थोड़ा 3 वैकेंसी है। इसके बाद आपको एक तो कॉमन के साथ आपको सर्टिफिकेट करना होगा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, उसके बाद आपको जो है पोस्ट कोड 9, यहाँ पर आपको 4 वैकेंसी है। यहाँ पर आपको कंप्यूटर ऑपरेशन प्रोग्रामिंग एंड ऑफिस मैनेजमेंट द्वारा आपको ITI सर्टिफिकेट आपको रहना होगा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका जो T10 ए, मैं बारीकी से बोल रहा हूँ ताकि आपको कुछ गलत फहमी आपको नहीं होगा, इसलिए मैं आपको बारीकी से आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। पार्टिकुलर आपको क्वालिफिकेशन के द्वारा आपको पार्टिकुलर बोल रहा हूँ कितनी क्वालिफिकेशन है और क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको कैसा जारी किया गया है, ये मैं आपको पार्टिकुलर के द्वारा मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। ये आपको बाद में दिक्कत नहीं होगा, इसलिए मैं आपको बारीकी से बोल रहा हूँ। उसके बाद आता है आपका जो पोस्ट कोड 11 है, यहाँ पर आपको कैटरिंग और हॉस्पिटलिटी असिस्टेंट में आपको सर्टिफिकेट रहना होगा। उसके बाद आता है आपका जो लास्ट के द्वारा आपका जो होता है पोस्ट कोड 12, के साथ आपका होता है आपको बोर्ड ऑफ बेसिक्स ट्रेनिंग एंड केमिकल प्लांट प्लास्टिक प्रोसेसिंग। उसके बाद आता है उसके साथ आपका यहाँ पर सीनियर लेवल हो गया, यहाँ पर आपको टेक्नीशियन असिस्टेंट है, इस पर आपको दे दिया आपको टोटल टी है, टोटल एक ही वैकेंसी किया गया है। यहाँ पर पे लेवल 6 अफसर वैकेंसी है, अफसर 6 आपको सैलरी जारी किया गया है।
यहाँ पर आपको डिप्लोमा कम्प्लीट करना होगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, एटलीस्ट 3 ईयर आपको एक्सपीरियंस आपको होना होगा। ठीक है, उसके बाद ये भी दे दिया है एटलीस्ट 3 ईयर्स टाइम ड्यूरेशन और 2 ईयर्स फुल ड्यूरेशन के एंड लेटरल एडमिशन फॉर सेकेंड ईयर डिप्लोमा कोर्स विद इन 60% एक्सपीरियंस मार्क्स और 60% 60 मार्क्स ना दो है एक्सपीरियंस का। उसके बाद आता है आपका जो पोस्ट कोड है, पर TA2 होता है टोटल। आपके पास 4 वैकेंसी है, सभी का सेम, जो टेक्नीशियन सभी का सेम से। मैं बार बार आपको नहीं बोलूंगा, सिर्फ क्वालिफिकेशन बोलूंगा। वो डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर कंप्लीट करना होगा और जो लेटर है 60 मार्क्स आना होगा। उसके बाद आता है आपका जो पोस्ट कोड 3 है, इसके बाद आपका 3 है। यहाँ पर आपको ये डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर रहना होगा, तो ये पेपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका जो TA4 है, इसके बाद आपको डिप्लोमा सिविल इंजीनियर में आपको कम करना है, तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका जो TA5, यहाँ पर भी आपको टोटल 9 वैकेंसी है। आपको डिप्लोमा करना होगा केरामिक इंजीनियर डिप्लोमा, तो यह अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका जो TA6, यहाँ पर आपको डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस भी करना होगा। इन लोगों ने सब दे दिया, ये क्वालिफिकेशन IT कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटर टेक्नोलॉजी IT में, तो ही आप पेपर कर पाएंगे। ठीक है, अप्लाई पोस्ट कोड 7 है, इसका डिप्लोमा आपको केमिकल इंजीनियर में होना है, पास आउट, तो भी आप पेपर एलिजिबल हो सकते हैं। उसके बाद जो 8 है, पर आपको BSc और केमिस्ट्री में होना होगा और वगैरह वगैरह जो जो है आप यहाँ पर देख सकते हो। तो उसके बाद भी जो पोस्ट है यहाँ पर, ठीक है, आपको मैंने पहले बता दिया, मैं आपको बारीकी से बोलूँगा सब कुछ। ठीक है, इसके बाद अगर 9 है, पर आपको BSc 60% मार्क्स करना होगा। आपको जो 10 है, पर BSc जी केमिस्ट्री मैथमेटिक्स 60% मार्क आपको रखना ही होगा। उसके बाद जो 11 है, आपको डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में आपको कम्प्लीट करना होगा। ठीक है, पर आपको दे दिया, आपको बेनिफिट्स सब सब कुछ जानते हैं, आपको HRA TA सब कुछ आपको दे दिया। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो मिलता है, एम्प्लॉय आपको कोलकाता खजूरी नरोदा 7 पे कमीशन द्वारा आपको सब सैलरी जारी किया जाएगा, सब कुछ मिलेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है। और 2004 के बाद जो न्यू पेंशन शुरू हो गया, जो नेशनल पेंशन स्कीम, वो तो आपका लागू हो जाएगा। और अदर्स कंडीशन देख सकते हैं कि आपका लास्ट डेट जारी किया गया है। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं, और इनकम्प्लीट तो सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेशन करेंगे तो सर्टिफिकेट आपको ऑटोमेटिकली आपको रिजेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान दें। तो बाद एज रिलैक्स सी मिला, जो SC ST 5 साल का, जो OBC में 3 साल का, और जो बार जिन्हें उनको तो कुछ जरूर से नहीं मिलता है। मैं आपको पुराने बात बताऊँ बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अप्लाई तो आपको ऑनलाइन आपको करना होगा, इस वेबसाइट की जगह ऑनलाइन आपको करना होगा। एडमिशन फीस आपको 500 रुपीज आपको आपको फीस आपको लगेगा यहाँ पर। ठीक है, एक बार देख सकते हैं कि आप, और ड्राफ्ट भी देख सकते हैं। तो एक बार पेमेंट थ्रू आपको बैंक RTGS द्वारा आपको करना होगा। नो दैट मीन्स पेमेंट फीस भी एक्सेप्टेड है। अगर बैंक भी IFSC कोड दे आपको, जो तो कोई यूनिवर्सिटी ब्रांच SBI ब्रांच है, सब कुछ आपको दे दिया है पर। ठीक है, उसके बाद भी आता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, पर दे दिया आपको जो SC ST है, उनको कुछ फीस में देना पड़ेगा। SC ST सॉरी, जो PWBD और जो मेन्स है और CIS एम्प्लॉय जब पेंशन देंगे, उनको कुछ पैसा वगैरह देने देना। आपको अच्छे से ध्यान दें, फिल करना होगा, ध्यान दें, सिर्फ डॉक्यूमेंट को चेक करके फिल करना होगा। ठीक है, और आपको सेपरेट सब कुछ डेट दे दिया, आप ध्यान रहे, और फुल डॉक्यूमेंट चेक करके सब डॉक्यूमेंट अटेस्ट करना होगा, फोटो कॉपी को ध्यान रहे। ठीक है, सब कुछ दे दिया, और आपको एग्जामिनेशन टाइम भी, आपको मेंटल एबिलिटी द्वारा जनरल अवेयरनेस सब कुछ यहाँ पर आपको दे दिया, और टाइम अलॉट कंसाइनमेंट सब्जेक्ट से बाद मोड ऑफ सिलेक्शन आपका हिस्ट्री के द्वारा सब कुछ यहाँ पर दे दिया। आप ध्यान रहे, आप चेक करते रहना। ठीक है, PDF और एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएगा। अगर वीडियो को पसंद आया तो लाइक कर देना, और वीडियो दूसरों के साथ भी शेयर कर देना। ठीक है, ताकि आपको जॉब रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। हमारे चैनल में हर रोज वीडियो आते हैं, आप जरूर देखिएगा। ठीक है, मैं अब चलता हूँ, थैंक यू।